मेरा नाम हिरान, आज की वीडियो में अल्टीमेट किलर बाइक में अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। आपको सच बता रहा हूँ गाइस, इतनी कमाल की बाइक आप लोगों ने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। ये है XPV ब्लेड 100 RC बाइक। एक बार इसका लुक तो देखो यार, क्या ही डेंजरस एकदम किलर बाइक मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। ओ माई गॉड, इसके अंदर 6 स्पिनिंग ब्लेड भी अपने को मिल जाते हैं। आज इसकी मैं फाइट कराने वाला हूँ एक और कमाल की बाइक के साथ। ये है फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक बाइक। चलो गाइस फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर कराते हैं इसकी फाइट। लेट्स स्टार्ट। इसके बारे में एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इतनी ज्यादा डरावनी बाइक मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को एक शॉपिंग बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। और इसका प्राइस भी अगर आप जानना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करो, आपको इसका प्राइस भी पता चल जाएगा कि मैंने इसको कितने में खरीदा है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो XPV ब्लेड 100 RC बाइक को खरीद सकते हो। यहां से भी निकाल लेते हैं इसको। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं यार, आपके घर में कौन सा स्कूटर है, कौन सी बाइक है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना गाइस। ये देखो यार, ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी। वजनदार तो भाई मैं क्या ही बताऊं, तकरीबन ये 3 से 4 किलो का होगा, इतनी ज्यादा वेट इसके अंदर दिया गया है। क्योंकि ये जो सामने वाला ब्लेड है ना भाई साहब, एकदम से खुल जाता है, काफी ज्यादा भयंकर दिखाई देती है ये बाइक। फिलहाल इसको मैं रखता हूं यार साइड में, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ी देर में। और इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। यहां पर अपने को एक वायर भी मिल जाता है यार, देखो दोनों तरफ कनेक्शन भी दिए हुए, पता नहीं ये वायर इन लोगों ने क्यों दे रखा है। बाकी मेरे को वायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस बुकलेट के अंदर। ये रहा इसका रिमोट स्टाइल, देखो यार क्या ही गजब का है रिमोट। ऊपर की तरफ देखो इस तरह का डिजाइन मिल जाता है, काफी ज्यादा शार्प एज दिया हुआ है एक सौ की तरह यहाँ पर। और ये है इसकी स्टीयरिंग, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा यूनिक रिमोट मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। नीचे की तरफ 2 बैटरीज अपने को डालना पड़ता है इस रिमोट को चलाने के लिए। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। अच्छा तो ये जो केबल है यहाँ पर बैठ जाएगा, और शायद दूसरा जो एज है इसका कार के अंदर लगता होगा यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है यार, देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो इसका मोटर है इसी के अंदर फिट होके आता है। ये दोनों जो पार्ट है इसको पकड़े हुए हैं यहाँ पर। इसके अंदर एक माइनस पॉइंट मेरे को लगा गाइस, इसके अंदर अपने को डालनी पड़ती है बैटरी। यहाँ पर इसके अंदर 6 बैटरीज अपने को डालनी पड़ती है। ये देखो यार, ड्यूरासेल की बैटरीज मैंने खुद ही डाली है। इसके साथ जो बैटरीज मेरे को मिली थी वो बैटरीज पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। ये जो स्टीयरिंग है इसके अंदर बटन है, इसको एक बार प्रेस करूंगा मैं, देख रहे हो गाइस, ओ माय गॉड क्या ही डेंजरस दिख रहे हैं भाई साहब इसके ब्लेड्स। देखो टोटल इस तरफ 3 ब्लेड्स हैं, इस तरफ 3 ब्लेड जो है ओपन होके आ जाते हैं। देखो यार पूरी तरीके से, अभी मैं इसको कंसील कर देता हूं, अंदर जा चुके हैं, एक बटन दबाने पर बाहर भी आते हैं, एक बटन दबाने पर पूरी तरीके से कंसील्ड होकर अंदर की तरफ भी चले आते हैं। ये जो ऊपर की तरफ है ना, रबर की पैडिंग दे रखी है इन लोगों ने ताकि ये स्मूथ तरीके से चल सके। अभी दूसरी बाइक को अनबॉक्स करते हैं। ये रही दूसरी वाली बाइक, इसका नाम है डिफॉर्मेशन फ्यूचरिस्टिक बाइक, जो है ब्लैक कलर वाली बाइक है। फटाफट से चलो इसको निकाल लेते हैं। इसका जो लुक है ना यार काफी ज्यादा कमाल का होता है, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप बाइक इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि इसका डिजाइन बड़ा ही यूनिक है। इसके साथ इस तरह का रिमोट मिलता है, रिमोट भी देखो यार क्या ही यूनिक है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गन पकड़ रखी है हाथ में, एक हाथ से कंट्रोल हो जाएगा बड़ी आराम से। यहां पे 2 बटन मिल जाते हैं, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो यार ऊपर की तरफ यहां पर इसके अंदर सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये व्हील्स देखो प्लास्टिक के हैं, ऊपर रबर की पैडिंग दे रखी है। यहां पर देखो ये इसके हैंड्स है, इस तरह से कन्वर्ट होकर रोबोट भी बन सकता है, मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में बता दूंगा। इसको हैंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। नीचे देखो यार यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, इसका बैटरी कंपार्टमेंट जो है इस तरफ आ जाता है। ओके गाइस, दोनों को मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे रख दिया है। ये देखो यार दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बता देता हूँ, दोनों की लेंथ उतनी दी गई है, दोनों की हाइट भी उतनी है, पर वेट के मामले में अपनी ब्लेड 100 जो है इसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा वजनदार है। दोनों के रिमोट्स भी बड़े यूनिक दिखाई देते हैं। चलो अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज दोनों में से कौन जीता है, कौन एकदम तगड़ा परफॉर्म कर पाता है। लेट्स गो। चलो दोस्तों, सबसे पहले ब्लेड 100 RC बाइक को टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके सामने के व्हील में इतनी ज्यादा पावर दी गई है कि ये चलते समय मेरा हाथ देखो यार कितना ज्यादा हिल रहा है, और इसको चलाते वक्त भी जो है इसकी ब्लेड्स अपन ओपन और कंसील कर सकते हैं। देखने में काफी ज्यादा धारदार ब्लेड्स लगते हैं, पर ऊपर की तरफ बहुत ही सेफ रबर की डैम्पिंग दी गई है। रोड पे रख के भी टेस्ट करके देख लेते हैं इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की दी गई है। मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाई हूं ना यार इसकी कंट्रोलिंग से, थोड़ा सा मुश्किल है इसको कंट्रोल कर पाना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा
ज्यादा यूनिक आरसी बाइक है। तो इसको ब्लेड्स ओपन करके भी चला के देख लेते हैं। हाँ गाइस, ब्लेड्स ओपन होने के बाद देखो यार काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रही है। तो थोड़ा सा स्पीड भी चला के देख लेते हैं किस तरह की कंट्रोलिंग दी गई है। तो चलते चलते हुए भी देख सकते हो ब्लेड जो है अपन इसके ओपन और कंसील कर सकते हैं। टेस्ट करने वाला हूं डिफॉर्मेशन क्वाड बाइक को। इसके अंदर हैंड सेंसर लगा होने के कारण इसको कन्वर्ट करना बड़ा ही इजी है। देखो रोबोट बन चुका है, अभी हैंड रखते ही ये वापस से क्वाड बाइक बन चुकी है। डेमोन्स्ट्रेशन का बटन भी इसके अंदर मिल जाता है। तो इसको अभी अपन लोग कुछ अलग तरीके से चलाने वाले हैं। तो इसको पहले रोबोट बना देते हैं, देखते हैं इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की दी गई है। ओ माय गॉड, काफी ज्यादा बेटर कंट्रोलिंग है इसकी, काफी आसानी से स्टंट वगैरह भी मार लेता है। ओ भाई, यहां पे आपको मैं स्लो मोशन में दिखाता हूं ये किस तरह से व्हीली मारता है। देखो यार पूरी तरीके से प्रॉपर कंट्रोल होकर व्हीली भी मार सकती है ये क्वाड बाइक। ये इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा ऑसम चीज लगी गाइस। चलो गाइस अभी आमने सामने की फाइट कराते हैं दोनों के बीच में, देखते हैं कौन जीतता है। राउंड वन में देखो यार अपनी क्वाड बाइक ने यार व्हीली मारकर इसको पीछे ढकलने की कोशिश की थी, पर अपनी ब्लेड्स ने अपने ब्लेड्स ओपन करके इसको पीछे ढकेल के पटक के रख दिया। अभी होगा राउंड टू, दोनों को थोड़ी दूरी से टकराएंगे, देखते हैं गाइस यहां पर क्या हो पाता है। टक्कर तो काफी जोरदार थी यार दोनों के बीच में। अभी दोनों देखो यार एक दूसरे के सामने आके भिड़ चुके हैं, दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी यहां पर देखो यार ब्लेड्स और आरसी बाइक ने अपने ब्लेड्स को ओपन जैसे ही किया, इसी बात का फायदा उठाकर देखो यार नीचे की तरफ से अपनी डिफॉर्मेशन बाइक ने इसको धक्का मारकर साइड में कर दिया। राउंड टू में यहां पर डिफॉर्मेशन आरसी बाइक जीत चुकी है। दोनों के बीच में यहां पे टाई हो चुका है गाइस। दोनों के बीच में रेस लगा के भी देख लेते हैं गाइस, रेस में कौन सी बाइक यहां पे जीत पाती है। रेस स्टार्ट हो चुकी है दोनों के बीच में, दोनों एकदम आजू बाजू में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड उतनी ही मेरे को यहां पे लग रही है। क्वाड बाइक आगे निकल चुकी थी, अभी देखो यार पीछे से बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी ब्लेड्स और आरसी बाइक आगे निकल चुकी है और ये स्पीड एकदम बनाई हुई है। देखो यार बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही है अपने डिफॉर्मेशन क्वाड बाइक को आगे जाने के लिए। बहुत ही ज्यादा टफ फाइट चल रही है दोनों के बीच में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ओ माय गॉड, यहां पे ब्लेड्स और आरसी बाइक ने धक्का मार दिया यार डिफॉर्मेशन बाइक को और वहां पर वो रुक चुकी है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्लियरली यहां पे जीत चुकी है अपनी ब्लेड्स और आरसी बाइक। गाइस अभी मैं ऑफ रोड में आ चुका हूँ, यहाँ पर देखो डिफॉर्मेशन क्वाड बाइक को मैं ऑफ रोड में चला रहा हूँ, काफी अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ पर बड़े पत्थरों पर से भी चला के देख लेते हैं, यार बड़ा पत्थर इसके सामने आ चुका है, इसको ग्रिप नहीं मिल पा रही है, इसको मैंने रोबोट में कन्वर्ट कर दिया है। रोबोट में कन्वर्ट करने के बाद भी ये बड़े पत्थरों पर से बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। सेम टेस्ट करते हैं ब्लेड्स और आरसी बाइक के साथ। इसके ब्लेड्स मैंने ओपन कर दिए हैं, भाई साहब ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी झाड़ियों को काट कर और जमीन को काट कर आगे बढ़ रही है। देख सकते हो यार क्या ही जब तरीके से चल रही है, मजा आ गया गाइस इसको ऑफ रोड में चलाने में। ये ऑफ रोड में काफी सही तरीके से चल जाती है। हेलो गाइस अभी टग ऑफ वॉर भी करा के देख लेते हैं दोनों के बीच में कौन जीतता है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों के व्हील्स को प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं ऑफ रोड में हूँ। एक काम करते हैं इसके ब्लेड अभी ओपन करके देखते हैं इसको ग्रिप मिल पाती है। जैसे ही मैंने ब्लेड ओपन किया देखो यार ये गड्ढे बनाने लगी है और प्रॉपर तरीके से इसको ग्रिप मिल चुका है और ये काफी आसानी से डिफॉर्मेशन बाइक को घसीट के लेके जा रही है। डिफॉर्मेशन बाइक का यहाँ पर देखो यार मैंने रोबोट बना दिया है, रोबोट बनाने के बाद भी देखो यार ये कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर अपनी ब्लेड सॉ बाइक ने हरा के रख दिया है पूरी तरीके से। अभी दोनों के बीच में एकदम फाइनल फाइट में कराने वाला हूं, देखो दोनों को ऑफ रोड में रेस लगा के भी दिखा देता हूं यहां पर कौन जीतता है। रोड पे तो क्लियरली अपनी ब्लेड्स और आरसी बाइक जीत चुकी थी, पता नहीं गाइस इसको ऑफ रोड में क्या हो चुका है, ये बहुत ही स्लोली स्लोली चल रही है। क्वाड बाइक देखो यार कितनी ज्यादा आगे जा चुकी है, इस ऑफ रोड में अनकंट्रोल होकर चल रही है। तो क्लियरली ऑफ रोड रेसिंग के मामले में अपनी डिफॉर्मेशन बाइक जीत चुकी है। गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ब्लेड्स और आरसी बाइक पसंद है या फिर अपनी डिफॉर्मेशन क्वाड बाइक पसंद है, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है भावेश, आशीष, नवनीत, मुकुंद, दाऊद, धर्मासाई, सरमद, आसिफ खान, अमन, रजनीश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।